भाई लोग, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर हमारे एक नए ब्लॉग पे। दोस्तों, मैं अपने नए लुक के साथ एक नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो जस्ट अभी हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, जस्ट हम वॉक कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे गांव से आया हुआ एक मेहमान है, तो अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राधेश्याम है और हम जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए, कायलाना लेक और कायलाना रास्ते पे ही। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से गांव से? अपना जी मैं बीए कर रहा हूँ और बीए सेकंड ईयर में, अभी बीए रनिंग में चल रही है। ओके, और आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं? जी हाँ। ओके, और आप कौन से गांव से हैं? जी मैं बिरई से, भावड़ी ब्लॉक, जोधपुर जिले का भावड़ी ब्लॉक का बिरई गाँव। ओके, तो गाइस हमारे साथ है राधेश्याम, तो आप इस पूरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। अभी शाम का समय है और हम वॉक कर रहे हैं। तो गाइस अभी शाम का, जैसे कि मैंने आपको बताया, समय है और काफ़ी ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग अपने जॉब पे जाते हैं वो लोग वापस आ रहे हैं अपने घर पर। और जोधपुर में अभी ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, बिकॉज लोग थोड़े से जॉबलेस हैं अभी कोविड की वजह से। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं और ये थोड़ी सी जो सड़क है वो कायलाना की ओर एक सुनसान इलाके से होती हुई जाती है बहुत। तो गाइज मेरे साथ जो राधेश्याम हैं वो आज आपको जोधपुर ज़िले के बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे, क्योंकि इन्होंने ये राजस्थान अध्ययन का अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज है। सो आप जोधपुर के बारे में क्या बताएंगे? हेलो गाइस, ओके, जोधपुर मेरा गृह जिला है और मैं ये गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ जोधपुर को घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, और आपको जोधपुर के बारे में काफ़ी डिटेल के बारे में देना चाहता हूँ, डिटेल से शो करूँगा इस वीडियो में। तो हम अभी जा रहे हैं जोधपुर की कायलाना झील है, उसका दृश्य और नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके, और आपने कुछ ही दूरी पर है ये कायलाना झील हमारे। ओके, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं बीए रनिंग चल रही है अभी, बीए सेकंड ईयर। ओके, सो गाइस हमने प्रताप नगर से अपनी कायलाना के लिए जर्नी शुरू की थी और वहाँ से हम बीच गलियों से होते हुए अभी कायलाना की मेन सड़क पर पहुँच चुके हैं। और काफ़ी अभी शाम हो गई है बट अभी हम चल रहे हैं, हमारे वापस आते समय अंधेरा हो जाएगा, बट वी आर जस्ट गोइंग। और मेरे साथ राधेश्याम है, ये काफ़ी थक गया है, कुछ कहना चाहता है आपसे? तो गाइस राधेश्याम थोड़ा सा शर्मीला है, बिकॉज ही इज डोंट एनीथिंग से। और अभी हम काफ़ी लगभग समथिंग 1.5 किलोमीटर दूर हैं, तो अभी हम चल रहे हैं और आपको अपडेट देंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये पानी पूरी वाला नहीं, ये है अपने कोल्ड ड्रिंक और इसका जो बर्फ़ का गोला होता है उसका। ये सड़क आप देख सकते हैं कि ये सड़क जाएगी अभी कायलाना हमें लेके। और यहाँ पे काफ़ी एक कोई होटल है और इसका नाम है होटल लेक व्यू। आप देख सकते हैं होटल लेक व्यू है, उसके आगे से हम अभी गुजर रहे हैं, या काफ़ी कारें वगैरह, कोई शादी या कुछ फंक्शन है। और सो राधेश्याम कुछ अपन से कहना चाहता है? राधेश्याम सी हियर एंड देन से समथिंग। सो गाइज हम लेक व्यू होटल के पास एक तालाब सा है, यानी कायलाना का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये काफ़ी अभी पानी से लबालब है और इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ। तो हम शाम हो गई है इसलिए यहीं पे अब हम ठहरेंगे और यहाँ पे ही पूरा आपको वीडियो बताएंगे कि क्या डिटेल है। तो मेरे साथ है राधेश्याम, और राधेश्याम कुछ कहना चाहेगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में?
तो जी हाँ, हम जोधपुर जिले के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक कायलाना झील है, उसका नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे। यस, कायलाना झील का दृश्य इतना मनमोहक है कि जो हर किसी व्यक्ति का मन मोह लेता है। बिल्कुल। और हम कायलाना जोधपुर के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। Yes. तो जोधपुर का क्षेत्रफल 233.5 वर्ग किलोमीटर है। Okay. और जोधपुर का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो 26.29 उत्तरी अक्षांश और Yes. और देशांतर की दृष्टि से जोधपुर की स्थिति 73.। ओके, और हमारे फ्रेंड जानना चाहेंगे कि जोधपुर जो जिला है उसकी स्थापना किसने की थी? जोधपुर जिले की स्थापना राव जोधा ने की थी और उन्हीं के राव जोधा के पुत्र जो बीकानेर की स्थापना करते हैं राव बीका। ओके, सो आपने सुना राधेश्याम ने जोधपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई। यहाँ से अच्छा एक व्यू आ रहा, आप देख सकते हैं कि पीछे होटल लेक व्यू में कोई शादी या ऐसा कोई फंक्शन है, वहाँ पे पार्टी चल रही है। सो ये शाम का एक खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो जी गाइस, हम आपको दिखाने वाले हैं कायलाना झील के बारे में कुछ बताते हैं, फिर कायलाना झील की छटा और दृश्य प्राकृतिक मन मोह लेने वाली। एक जोधपुर जिले के अंदर स्थित कायलाना झील इतनी खूबसूरत है और ये मीठे पानी के लिए जोधपुर की एकमात्र झील है, जो कायलाना झील जो प्रसिद्ध है। जोधपुर के अंदर मीठे पानी की जो दूर दूर तक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के आगती पागती जिलों एवं गाँवों में इसी झील से पानी की सप्लाई होती है और ये झील बहुत बड़ी है क्षेत्रफल में। और आपके गांव में भी कायलाना झील से ही पानी की पूर्ति होती है? हमारे गांव में भी बिरई के अंदर कायलाना झील से जोधपुर जिले से पाइपलाइन के माध्यम से सीधी सप्लाई होती है पानी की और कायलाना झील का पानी बहुत मीठा है। अच्छा। और ये क्षेत्रफल में काफी बड़ी है और प्राकृतिक भूभाग के बीच में स्थित है। जो आपको कैमरे के अंदर दिखाने जा रहे हैं, देखो चारों मेर पहाड़ है और घाटियां हैं और इसके बीच में है और पानी ये पहाड़ों से आता है कायलाना झील के। और जब आप देखेंगे तो अब रात्रि हो गई है, थोड़ी बहुत अंधकार छा रहा है, बाकी आपको कैमरे के अंदर क्लियर नजर नहीं आएगा। बाकी कायलाना झील काफी बड़ी है और इसके अंदर पानी प्राकृतिक रूप से बारिश का पानी है, मीठा पानी। और यहाँ पर कई ग्रत बने हुए हैं, कई खड्डे हैं और यहाँ पर पानी सभी पर्वतों से बहता हुआ आता है, नाला और जल प्रताप के माध्यम से। सो गाइज, हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारे दी गई हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सो मैं और राधेश्याम आपको नमस्ते बोलते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। तो राधेश्याम, आपको आज की शाम कैसी लगी? बहुत अच्छी। ओके, राधेश्याम ने भी इंजॉय किया इस व्लॉग को। तो मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।